नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे एक दिवस के विषय में, क्योंकि आज इतिहास की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से और सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से बहुत बड़ा दिन है। भारत और विश्व की कई घटनाओं के संदर्भ में उसी कई घटनाओं में से एक घटना का जिक्र आज की वीडियो में मैं करूँगा और इसकी सूचना आप तक पहुँचाने का छोटा सा प्रयास है। कौन सी घटनाएं हैं 9 अगस्त के दिन, उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे, लेकिन जिस विषय पर आपको सूचनाएं देनी है उसकी बात करते हैं। आपको संस्थान, विषय, वक्ता और विषय के विषय में कुछ बातें आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस की। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी को ज्ञात है। तो विश्व मूल आदिवासी दिवस के परिप्रेक्ष्य में हो रही है एक दिवसीय एक संगोष्ठी, दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस संगोष्ठी की सूचना तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन करवा रहा है और कब करवा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ CSRD और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली CSRD, JNU का एक डिपार्टमेंट है, और साथ ही साथ प्रज्ञानम, इंडिका और IIRD, इन शैक्षणिक संस्थान और संस्थाओं के माध्यम से विश्व मूल निवासी दिवस अर्थात भारतीय परिपेक्ष में क्या उसकी प्रासंगिकता है, क्या उसका महत्व है, इस विषय पर हो रहा है यह गोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी, राष्ट्रीय सेमिनार। आज शाम 4 बजे अर्थात 9 अगस्त शाम 4 बजे ये होने वाला है शुरू। इसको आप करिए अटेंड और इसमें होइए प्रतिभागी। प्रतिभागी होने के लिए आपको भरना है एक फॉर्म, फॉर्म का लिंक दे दिया है। जैसे ही आप वीडियो के टाइटल पर करेंगे क्लिक, रजिस्ट्रेशन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप भर सकते हैं। और यदि कोई समस्या होती है किसी प्रकार, लिंक ओपन ना हो या कोई ज्वाइनिंग करने में समस्या हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा, उस पर आप संपर्क करिएगा। विश्व मूल निवासी अर्थात कौन से ऐसे निवासी हैं, कुछ लोग सोशल साइंस की फील्ड के या हिस्ट्री के फील्ड के आर्यों को मानते हैं, कुछ लोग द्रविड़ों को मानते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विश्व के उन मूल निवासियों की जो हर समाज हर वर्ग में करते हैं निवास, जिसे हम कहते हैं आदिवासी। उसी परिपेक्ष में यह संगोष्ठी आपके समक्ष है। प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज वाइस चांसलर हैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के। डॉक्टर नंदिता साक्या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेएनयू के अंदर CSRD विभाग से। असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक कंजूरिया जी हैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। फिर इसमें हैं विवेकानंद नर्तन हैं, इनका संबंध है श्यामलाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से, और एक पर्यावरण अध्ययन केंद्र है JNU के अंदर, उसके हैं प्रोफेसर AP त्रिपाठी, और JNU के एक शोधार्थी उमेश खूटे जी। यानी कि आप इस संवाद कार्यक्रम में पर्यावरण से संबंधित विशेषज्ञ को सुनेंगे, शोधार्थी को सुनेंगे, एक वाइस चांसलर को सुनेंगे, और एक ऐसे प्रोफेसर को भी सुनेंगे आप जो वाइस चांसलर होने के नाते ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक और खासकर ज़मीनी मुद्दों पर अपनी विशेष पकड़ रखते हैं, अपनी विशेष दृष्टि रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज की, वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल जी की। इन सभी को आप सुने, अपने सवाल अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर से ज़रूर दर्ज करें, और विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में आपको पुनः शुभकामनाएं, और एक दिन के लिए ही सही, मेरी तरह औरों की तरह अन्य हजारों लोगों की तरह, अगर एक दिन भी आप विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में आदिवासियों के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी भी समाज को जानने के लिए उसके मूल को जानना और समझना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि यदि आप समाज के मूल को नहीं समझेंगे, समाज की भाषा और संस्कृति को नहीं समझेंगे, क्योंकि भाषा ही वह खाद पानी होती है जो किसी भी समाज को पल्लवित करती है। और ये मैंने नहीं कहा, ये पहले कार्ल मार्क्स ने कहा, उसके बाद रामलाल शर्मा ने भी कहा,
और कार्ल मार्क्स और रामविलास शर्मा के मध्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैत्री शरण गुप्त ने कहा। और आधुनिक या उत्तर आधुनिक परिप्रेक्ष्य की बात कहें तो महात्मा गांधी और विवेकानंद ने भी कहा कि भाषा को समझे बिना, संस्कृति को समझे बिना आप किसी भी समाज के विकास और पतन के कारणों का पता नहीं लगा सकते हैं। और यदि समाज में कोई समस्या है और उसका समाधान आप देना चाहते हैं तो भी आपको उसकी मूल प्रणालियों की, मूल व्यवस्थाओं की, मूल संस्कृति की समझ का होना बेहद आवश्यक है। उन्हीं सभी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों को लेकर यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आप सभी को कर रही है आमंत्रित। आप सभी हों शामिल। वीडियो में दी गई सूचनाओं पर कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर करें, कोई सुझाव देना चाहते हो तो बेशक दें और रजिस्ट्रेशन करें, प्रतिभागी हों इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में। 9 अगस्त शाम को 4 बजे आप सभी रहें तैयार। आप सभी का है स्वागत। मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं आपसे फिर किसी एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मूला दिवासी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं।